हाँ ये जो फैन आ रहा है ना, क्या ख्याल आता है? एक्चुअली मैं यहाँ पे बहुत पास में रहती हूँ, तो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि एक और नई जगह मिल गई जहाँ पे मैं जा सकती हूँ टू पार्टी और टू हैंग आउट, फ्रेंड्स के साथ जा सकती हूँ और बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कोई पास में ही कुछ खुला है एक्साइटिंग सा। तो और मैं इस एरिया से बहुत फेमिलियर हूँ, मैं जूम में ही रह चुकी हूँ, तो आई नो दैट यहाँ पे पास में बहुत ज़्यादा प्लेसेस ऐसे नहीं हैं, तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है टूवर्ड्स टाउन, सो इट्स अ न्यू एडिशन, सो हैप्पी। आई थिंक या नाउ डेज वी नो कि यू नो नई नई जगह खुलते हैं, थीम्स आर सो डिफरेंट, एवरी प्लेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अदर, तो बहुत एक्साइटिंग हो जाता है यू नो टू गो एंड एक्सप्लोर अ न्यू प्लेस। सो आई थिंक दैट्स वॉट यू नो आई एम हियर बिकॉज वी आर हियर बिकॉज वी वॉन्ट टू जस्ट सी वॉट इज हूट ऑल अबाउट एंड यू नो एक्सप्लोर अ न्यू प्लेस। सो लाइक शी सेड यू नो टू गो आउट टू हैंग आउट एंड दैट इज वॉट इज बॉम्बे, बॉम्बे नेवर स्लीप्स, सो वी नीड न्यू प्लेसेस ऑल द टाइम। There's so much traffic everywhere that we are only happy कि कुछ घर के पास हो। No one likes to go to the other end of the town to party. Yeah, that's true. ऐसा कुछ है? पर जो भी है सच है, अगर ऐसा कुछ है। हाँ। हम actually बहुत अच्छा, मेरे birthday के दिन शायद last गए थे, but हाँ हम यूजुअली ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पार्टी नहीं करते, हम रोज़ मिलते हैं, लेकिन ना आजकल तो हमने वर्कआउट करना शुरू किया है, बट अदरवाइज़ हम यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, शॉपिंग और ऐसी चीज़ें ज़्यादा करते हैं। तो गर्ल्स नाइट के हिसाब से इट्स गोना बी वेरी एक्साइटिंग, आई थिंक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी बोथ अलोन आर पार्टिंग टुगेदर, मतलब रात को एक साथ बाहर निकल रहे हैं। हम दोनों जब भी मिलते हैं वी हैव अ ब्लास्ट, we don't have to make an effort, it's just very natural, nothing is so, normal nothing is normal yeah when we meet, kuch normal nahi hota hai, hamesha kuch na kuch abnormal hi hota hai, to I am a party animal in, from inside, but main zyada kuch karti nahi hu, that's different, but yes intention is to have a very good time today, enjoy the music and meet people and all of that, so yeah फुल पार्टी के मूड में आए हम लोग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, या थैंक यू, थैंक्स, यू ऑल हैव फन। Actually, in my real life, I don't really like partying. But yes, whenever I feel like I go out with my friends, and yes, I do party. You know, हम कुछ भी काम शुरू करते हैं तो उसका excitement बहुत होता है और फिर प्रोत्साहन मिलता है किसी से भी, भले ही वो एक्टर हो या सिंगर हो या कोई भी हो इंडस्ट्री का या अदरवाइज ऑल्सो, तो बहुत अच्छा लगता है। सो आई जस्ट टेक इट वेरी पर्सनली ऑन मी एंड आई जस्ट कम। सॉरी, आई थिंक आई एम गोना एंजॉय, यस लेट्स सी, शो मेरा, मैंने शो छोड़ दिया है।
या डेफिनेटली मुझे सब लोग बोलते हैं कि आप शो में वापस आ जाए, शो में वापस आ जाए, बट यू नो व्हाट, जब तक आप एक चीज़ ख़त्म नहीं होती तो नई चीज़ की शुरुआत नहीं हो सकती, तो इसलिए मैंने शक्ति छोड़ दिया। बट या डेफिनेटली आप लोगों की दुआएं हैं, आशीर्वाद है, मैं डेफिनेटली बहुत जल्द किसी ना किसी शो में आपको ज़रूर नज़र आऊँगी। आई कांट रियली टॉक अबाउट इट, बट यस बातें कुछ चल रही है, मैंने कुछ भी मटरलाइज किया नहीं है, कुछ कर दिया है, सो या लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर द टाइम। 2018 में भी और 2019 में सब कुछ होगा। सी जब तक लव स्टोरी नहीं होगी तब तक ऑडियंस देखती नहीं है, ऑडियंस को मज़ा नहीं आता है, सो या डेफिनेटली लव स्टोरी विल बी देयर, बट या सम एक्शन इज ऑल्सो देयर। और जितना भी अभी मैं प्रोजेक्ट मैंने आई एम गोना बी स्टार्टिंग, वो सब अपने आप में बहुत अलग है, तो डेफिनेटली आप सब लोग आइएगा और मुझे आपके रिव्यूज दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। योगेश भाई आइए ना, दो शब्द। यूथ के लिए और जो दिल से यूथ है उनके लिए बेस्ट प्लेस है हूट। हर जगह से हूट हो रहे थे लेकिन यहाँ नहीं हो पाएंगे क्योंकि इस जगह का ही नाम है हूट, और हूट का उल्टा होता है इंजॉय, तो मुझे लगता है कि जॉय इंजॉय यहाँ पर बहुत होगा। और ये प्रिमाइसेस बहुत अच्छा है, एरिया बहुत अच्छा है, यहाँ पर लोग सुरक्षित हैं, ऐसी जगह पर इंजॉयमेंट के साथ साथ आपको सुरक्षा मिलना भी बहुत ज़रूरी है और वो यहाँ पर मिलती है। मैं पार्टी एनिमल काफ़ी हद तक हूँ, अगर योगेश भाई किसी पार्टी में बुलाते हैं तो मैं बिल्कुल चला जाता हूँ, योगेश भाई की पार्टी को मैं ना नहीं बोल पाता। और पार्टी में अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे विचार मिलते हैं, और इसीलिए मैं पार्टी में जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि हमारी फिल्में आती रहती है, फिल्म को प्रमोट भी करना पड़ता है। एक अभी फिल्म हमारी आ रही है विग बॉस आ रही है, जिसको ब्राइट के हमारे खास योगेश जी प्रमोट कर रहे हैं। इसमें मैं एक गंजे का कैरेक्टर निभा रहा हूँ, गंजे का कैरेक्टर जो विग पहनता है, और गंजे को विग पहनने के बाद, विग पहन ना पहनने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम होती है आज के समाज में, गंजे पे लोग कैसे हंसते, दैट इज़ कॉल्ड विग बॉस। आप इस फिल्म को देखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सबसे पहले तो माय फ्रेंड इज हैंडलिंग द प्लेस, अमीर जुनैदी, वेरी ओल्ड फ्रेंड, वी आर सपोर्ट हिम। पार्टी तो कम ही करता हूँ, घर से भी कम ही निकलता हूँ, लेकिन आई गेट अ चांस टू मीट ऑल माय फ्रेंड्स टुडे एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू वेरी मच।
घर से बाहर नहीं जाता, आई प्रेफर होम लाउंज पार्टी, घर के अंदर आई फील इट बेटर, बट ही इज़ वेरी डियर फ्रेंड समीर हुआ इनवाइटेड मी, सो आई ऑलरेडी वांटेड टू कम एंड फ्रेंड दिस प्लेस। बहुत बड़े पार्टी पर्सन, ये घर में कम रहते हैं मैं घरेलू लड़का हूँ, आज अनुज ने मुझे बोला कि पार्टी करते हैं तो मैंने चलो पार्टी कर लेते हैं। बहुत इंजॉय करने वाले यार, आज अनुज हमारे साथ में तो बहुत सारे इंजॉय है। एक बार हमारे मैनेजर साहब आ गए, ये सारे गाने अच्छे होते हैं जिसपे सब नाचेंगे उसमें हम भी नाचेंगे आज। जहाँ अनुज नाचेगा वहीं हम नाचेंगे। So it's gonna be a lot of fun. We hope it's gonna be a lovely evening today. Thank you. Photos really.